एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है कोरोना ब्रेकिंग। दिल्ली में थम नहीं रहा कोरोना का कहर और दिल्ली की स्थिति बेहद यहां पर गंभीर इसलिए क्योंकि 24 घंटे में 25,986 नए केस सामने आए हैं। इसी की बात, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार सातवें दिन 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ये आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, 368 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। तो दिल्ली में नए केसेस बढ़ रहे हैं, 10,53,000 का आंकड़ा जो कुल है वो पार करा हुआ है। स्पर्श रमा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, इसी का जिक्र हम अभी कर रहे थे, दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा डरावनी इसलिए है क्योंकि नए केस 24 घंटे के अंदर अंदर नए केस जो हैं उसमें कहीं से कमी नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल, कोरोना के मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन का असर कोरोना के मामलों पर देखने को मिलना चाहिए था, उस तरीके का असर जो है देखने को नहीं मिल रहा है और इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो VVIP इलाके हैं वहां पर तो जो कोरोना का नियमों का पालन है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। जो अन्य इलाकों की बात करें, जो पिछड़े इलाके या फिर जो आउटर दिल्ली के जो कोने इलाके हैं वहां पर जो लोग हैं अभी भी उसी तरीके से जो अपनी गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है करते नजर आए। इसी कारण जो दिल्ली में कोरोना का ग्राफ है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल दिल्ली की बात करें तो कल दिल्ली में रात को 12:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगाइए, अमूमन जो मेडिकल बुलेटिन था वो जो है रात को 10:30 बजे के आसपास जो है जारी किया जाता था। तो दिल्ली में अब लगातार मामले बढ़े हैं, सरकार भी चिंता में है कि आखिरकार जब लॉकडाउन लगा रखा है उसके बावजूद वो क्यों नहीं जो मामले हैं उसमें देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली में जो डेथ की रेशियो है वो जो है 350 के ऊपर बनी हुई है, शमशान घाटों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है लोगों को। तो किस तरीके से ये मामले जो है इसमें रफ्तार में लगाम लगाई जा सकती है, इसको लेकर दिल्ली सरकार को अभी और ज्यादा होगा कि किस तरीके से और ज्यादा सख्ती की जाए ताकि ये जो हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बता दें आपको एक बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग, 24 घंटे में मिले 3,79,257 पॉजिटिव केस। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 3,645 मरीजों ने जान गंवाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 2,00,000 के पार चला गया है, ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 2,04,832 मौत का कुल आंकड़ा अब तक बना हुआ है, तो 1,83,73,524 कोरोना के कुल केसेस और 24 घंटे में मिले 3,79,257 नए केस। प्रदेश भर में कोरोना का आतंक आप किस तरीके से देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़ों के जरिए बताया जा रहा है कि अभी तक स्थिति जो है कुल मिलाकर क्या स्थिति बनी हुई है। और बता दें आपको 2,04,832 मौत का कुल आंकड़ा, देश भर का आंकड़ा ये हम आपको बता रहे हैं। 1,83,00,000 के पार कोरोना के कुल केसेस बने हुए हैं पूरे देश भर में, जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल स्थिति यहां पर कहीं से भी ठीक होती नजर आ रही है क्या? देखिए आंकड़े तो वो बयां नहीं कर रहे हैं कि भारत में जो यह कोरोना को लेकर सुधरती हुई नजर आ रही है। देश में प्रतिदिन रिकॉर्ड मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 3,79,000 से ऊपर जो मामले हैं वो आज जो है भारत में निकलकर सामने है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी जो है चौंकाने वाला कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। 3,600 से ज्यादा जो मौतें हैं वो निकलकर जो है सामने आ रही है। अब कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 2,00,000 के पार जो है भारत में पहुंच गया है। लगातार भारत की बात करें, प्रतिदिन जो है रिकॉर्ड मामले निकलकर सामने आ रहे थे। 2 दिन पहले जरूर एक बार लगा था कि कोरोना का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो रिकॉर्ड तोड़ मामले हैं वो भारत में निकलकर जो है सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो अच्छी दर्शकों के लिए जानने लायक है वो ये कि भारत में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो जो है काफी तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। 15 करोड़ का आंकड़ा जो है वो भारत में वैक्सीनेशन को लेकर जो है अब जो है टच कर चुका है। ऐसे में कल जो वैक्सीनेशन 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी जो है शुरू हो चुका है, तमाम लोग जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो ये जो लगातार आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ भारत में निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है।
जाहिर तौर पर स्पर्श और राजधानी दिल्ली का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्थिति यहाँ पर दिल्ली में ये है कि लॉकडाउन पूरे तरीके से लगा हुआ है। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी है, ट्रांसपोर्टेशन अभी फिलहाल चल रहा है। दिल्ली में नए केसेस में कितना सुधार आ रहा है, क्योंकि डेथ रेट तो ज्यादा यहाँ पर कम नहीं होता दिखा है अभी तक? देखिए, जिस तरीके का हाल देश का है वही हाल जो है दिल्ली का भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% के ऊपर जो है बनी हुई है। कल भी अगर बात करें तो 31-32% के आसपास जो पॉजिटिविटी रेट कल कर सामने आई। कल दिल्ली में अगर टेस्टिंग की बात करें तो 80,000 से ज्यादा जो टेस्ट है कल दिल्ली में जो है देखने को मिले, जिसमें से 25,000 के आसपास जो आंकड़ा है कोरोना के पॉजिटिव केसों का वो निकलकर सामने आया है। और जो डरावनी बात है, जो जनक बात है, वो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है। 300 के आसपास जो मौतें हैं दिल्ली में वो आज जो है देखने को मिल रही है, चिंताजनक बात है वो आज जो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ दिल्ली में भरता जा रहा है उस हिसाब से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही है। इसी कारण जो लगातार कैजुअलिटी है कोरोना के कारण वो हम देख रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों ऑक्सीजन को लेकर काफी जो कमी है वो देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन को लेकर हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सेवा जो है मिल सके वो जो है देखने को नहीं मिल रही। हालांकि दिल्ली सरकार इसको लेकर तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में जो है हम 1,000 के आसपास जो बेड है वो जो है और तैयार कर करते हुए नजर आएंगे। ऑक्सीजन को लेकर टैंकर जो है विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया है, लॉकडाउन को भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राफ है कोरोना का वो दिल्ली में अभी भी बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्श शर्मा बने रहिए आप हमारे साथ।